दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, भविष्य में कभी ना कभी आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बेहतर प्रार्थना पत्र किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी अधिकारी, किसी भी चीज के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, चाहे वो शिकायत पत्र है, चाहे वो कुछ भी है, तो आप कैसे लिखें, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आपके गांव में किसी दबंगों ने रोड पर कब्जा कर लिया है, सरकारी नाली तोड़ दी है, या मान लीजिए अन्य कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ये मैंने पूरा प्रारूप दिया है, इसकी PDF भी मैं अपनी वेबसाइट पर आपको प्राप्त करवा दूंगा। वेबसाइट की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यदि आप किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कुछ इस प्रकार का भाई एक कागज होगा, ठीक है। यहाँ पे भाई आपको जरूरी है कि जो भी आपके पास कागज हो उसे यहाँ से मोड़ लें, ठीक है। जब आप मोड़ लेंगे तो यहाँ पे एक हाशिया बन जाएगा, आपके पास पेंसिल पटरी नहीं होगी उस समय, ठीक है। यहाँ से मोड़ लें, ठीक है। और आप प्रार्थना पत्र लिखते समय आप ये बात का इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि देखिए यहाँ पे ये लाइनें, ये देखिए सेवा में, विषय, महोदय, अब ये आप लाइन देख सकते हैं बिल्कुल एक क्रम में है, ठीक है। सबसे पहली बात जो है वो यही आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है यहाँ पे सेवा में, हर प्रार्थना पत्र में आपको सेवा में लिखा है, सेवा में लिखना है, चाहे आप FIR कराएं, कुछ भी कराएं, सेवा में आपको जरूर लिखना है, सेवा में। फिर आप उस अधिकारी का नाम लिखें जिस अधिकारी से आपको शिकायत, जिस अधिकारी से आपको जरूरत है, ठीक है। उस अधिकारी का नाम लिखते समय आपको सबसे पहले श्रीमान या महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो सम्मानजनक शब्द होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय। आप अगर जिलाधिकारी से को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, सेवा में श्रीमान जो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, ठीक है। जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं सेवा में लिखें, और फिर उस अधिकारी का नाम, फिर तहसील और जिला। अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल को लिख रहे हैं आप, तो वहां पे तहसील नहीं, जिला ही वहां पे होना चाहिए, ठीक है। जहां जहां का भी वो अधिकारी है वो आपको लिखना चाहिए। उसके बाद जो है आप अपना विषय लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है विषय, ग्राम सहिष में दबंगों द्वारा सरकारी नाली तोड़ उस पर कब्जा करने के संबंध में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आप FIR करते हैं तो FIR में विषय की जरूरत नहीं होती है, विषय वहां पे लगभग नहीं लिखा जाता, लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने खंड विकास अधिकारी को अपने मृत प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया है, तो यहाँ पे विषय लिख सकते हैं मृत प्रमाण जारी करने के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ से महोदय, महोदय भी आपको कन्फर्म लिखना है, ये देखिए रेस्पेक्टफुल शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपना पूरा नाम पता, सबसे पहले आप कोई भी प्रार्थना पत्र देते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, अपना गांव, जो भी आपका पता है वो लिखते हैं। देखिए, मैं प्रार्थी अपना पुत्र सुरेश, ग्राम सहिस, मेरे गांव में, अब देखिए यहाँ पे मेरे गांव में बनी सरकारी नाली जिसमें मेरे तथा कई गंदे घरों का पानी निकलता था, और सरकारी नाली गांव में कुछ दबंग लोगों ने तोड़ दिया है, जिनकी नाम, अब यहाँ पे आप नाम जो भी आपके जिनकी शिकायत करें या जो भी आप मामला है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में लिखें, ऐसी भाषा में लिखें जिससे जो भी अधिकारी है उसे समझने में सरलता हो, ठीक है। ऐसे शब्द लिखें, ठीक है। और यहाँ पे अपनी पूरी बात लिख के यहाँ पे अपना जो भी आप चाहते हैं वो लिखें कि अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जिस सरकारी नाली जिस व्यक्ति ने तोड़ा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा नाली को दोबारा बनवाया जाए। यदि मान लीजिए आप मृत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में, तो अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मृत प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, श्रीमान जी की अति कृपा होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अतः श्रीमान जी, यहाँ पे आपको यही लिखना है, जो भी आप चाहते हैं वो लिखना है, ठीक है। अगर आप जिला अधिकारी से शिकायत करते हैं तो यहाँ पे वही लिखना है जो आप चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रार्थी का नाम, जिससे अगर मान लीजिए कोई पुलिस जाती है, कोई भी ऑफिसर जाता है, तो प्रार्थी का नाम, ठीक है। पुत्र किसका पुत्र है, यानी कि यहाँ पे पिता का नाम होगा, उसका पता, जहाँ पे भाई जो भी संपर्क है संपर्क हो सके उससे। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, कि मान लीजिए कोई भी एक्शन लेता है अगर कोई, तो आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी दिनांक है वो दिनांक यहाँ पे आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपने साइन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रार्थना पत्र आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो भी स्टेनो होते हैं उन्हें दे सकते हैं, और इसकी रिसीविंग हमेशा अपने पास रखें, जिससे ये आपके पास प्रूफ रहे कि भाई मैंने इस शिकायत का प्रार्थना पत्र दिया था, ठीक है। दोस्तों, यदि मान लीजिए और अन्य वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।